ईरानियन फिल्म डायरेक्टर माजिद मजीदी के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए शूट करने दीपिका पादुकोण मुंबई की धोबी घाट पर नजर आईं। ये फिल्म एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मुंबई और यूपी जैसी जगहों पर शूट होगी। खबरों की माने तो ढेर जिंदगी में साथ आ रहे शाहरुख आलिया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर आ सकते हैं। सलमान शाहरुख के बीच की कड़वाहट काफी पहले खत्म हो चुकी है और अब उनका साथ में देखा जाना मुश्किल नहीं है, हालांकि इस बात की ऑफिशियल खबर आना बाकी है। खबरों की माने तो फोर्स 2 में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कुछ हिस्से दिखाए जाने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स पर कैची चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट में जाने की बात कही है, क्योंकि उनके हिसाब से इन सीन्स को काटने पर फिल्म के फ्लो पर असर पड़ेगा। सलमान खान के रेस 3 में लीड रोल निभाने की खबरों के बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में लीड रोल में देखे जा सकते हैं। क्रिश 4 की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है और काबिल रैप अप हो चुकी है, इसीलिए ऋतिक के पास अभी काफी समय है और हो सकता है कि वो इसी मशहूर फ्रेंचाइजी में दिख जाए। डायरेक्टर गौरी शिंदे ने ये साफ कर दिया है कि किल दिल एक्टर अली जफर उनकी आने वाली फिल्म ढेर जिंदगी का हिस्सा थे और बने रहेंगे और उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया है। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में फवाद खान के होने पर बवाल मचने की वजह से ये कहा जा रहा था कि शायद डियर जिंदगी फिल्म से अली जफर को भी हटा दिया गया हो। यही नहीं, वो अब तक के सारे टीजर्स में भी नहीं दिखे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर गौरी शिंदे ने इन सभी बातों को अफवाह करार दिया है।